नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राउटर में अचानक से आपकी जो वाईफाई रेंज है कम हो जाना या कभी कभी ऐसा होता है राउटर को बहुत टाइम के बाद यूज करते हैं जो रेंज आपकी पहले आ रही थी वो कम हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेंज आ रही होती है लेकिन थोड़ी बहुत ड्रॉप हो रही है मतलब पहले रूम के अंदर फर्स्ट क्लास आती थी अब रूम के अंदर बिल्कुल डाउन एक टावर आ रहा है वाईफाई का तो वही कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं पहली बात क्योंकि यहाँ पे जो वायर होती है बीच में लगी हुई वो क्रैक कर जाती है कभी कभी दोस्तों और प्रॉब्लम ये हो जाती है और कैसे इसके अंदर क्योंकि टेंटा के जो राउटर खरीदते हैं उसमें सर्किट होता है और बाकी राउटरों में टीपी लिंक के राउटरों में एक तार टाइप का होता है उसे तो बहुत आसानी से निकाल के आप कनेक्शन कर सकते हैं लेकिन इसमें सर्किट होता है लगा हुआ और इसकी रेंज भी एज कंपेरिजन बात करो तो वायर वाले के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप राउटर फर्स्ट क्लास यूज कर रहे हैं लेकिन वायर अंदर से या कभी कभी होता है कि यहां से निकाल के खींच लेते हैं बच्चे तो वायर अंदर से या टूट जाती है तो दोस्तों आज इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप उस वायर को ठीक करते हैं और अपने राउटर की जो रेंज थी दोबारा से पूरा चेक कर सकते हैं कि हाँ अब मेरी दोबारा राउटर से जो रेंज थी वो दोबारा ठीक हो गई है तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप राउटर की रेंज को दोबारा से इंक्रीज कर सकते हैं और उससे बेहतर कर सकते हैं चलिए गाइस फिर देखते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे हमारा एक टैंडा का राउटर है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अचानक से एकदम ड्रॉप हो गई पहले इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी थी बाद में मालूम चला कि यहाँ से जो वायर जा रही थी मतलब एंटेना वायर जो जा रही थी वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई थी तो ये हमने यहाँ से वायर निकाल ली है और ये इसके आईसी और यहां पे इसके आरजे फोर्टी फाइव के कनेक्टर आ गए आगे वाली इमेज में समझने की कोशिश करते हैं ये है गाइस एंटेना जो इसके अंदर लगा होता है जो कि आप देखते होंगे राउटर में जो टंडे लगे होते हैं वो एंटेना होते हैं और यहाँ से इसके अंदर ये टेंडा के राउटर के अंदर ही स्पेशली इस तरीके की, की तो मतलब सर्किट प्लेट यूज की जाती है नेटवर्क स्प्रेड करने के लिए बाकी ज्यादातर राउटर बात करें टीपी लिंक की तो उसमें एक वायर होती है वहीं से वो स्प्रेड करते हैं नेटवर्क को लेकिन यहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इससे मतलब तार वाले के मुकाबले इससे बहुत ज्यादा अच्छी रेंज आपको मिल जाती है मतलब दो से तीन मीटर एक्स्ट्रा रेंज अच्छी मिलती है ये जो राउटर है ये पूरा राउटर है तो फोर पे सपोर्ट करता है और इसकी ये अंदर होती है प्लेट बीच में मिड में दली हुई होती है तो दोस्तों इसे आसानी से निकाल लिया होता है क्योंकि यहाँ पे आप लॉक टाइप का देख रहे होंगे तो इसे पकड़ के खींचना होता है थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है और आप इजिली इसे निकाल लेते हैं थोड़ा सा कनेक्शन समझते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देंगे तो यहाँ पे पूरा एक ये न्यूट्रल है और ये फेस ये वाली जो पतली वाली वायर इसमें से निकल के आ रही है तो ये हमें थोड़ा सा बैक जाते हैं और तब आप समझ पाएंगे इसमें लगानी होती है और सेकंड वाली वायर जो है हमारी ग्राउंड में लगानी होती है नीचे के साइड क्योंकि हमारा मेन जो है वो आईसी से निकल के आई है वो हमारा ये स्प्लिट करने में मदद करती है नेटवर्क को और आगे जाते हैं तो यहाँ पे ये यह जो हमने वायर यूज किए वो फ्लेक्सिबल वायर यूज़ किए बहुत ज्यादा पत्ती है बात की जाए तो 0.8 पॉइंट एट, एट की होगी और दोस्तों ये इतनी आसानी से क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट रहता है क्योंकि ये नेटवर्क घर में नीचे के साइड रखा हुआ होता है बहुत ज्यादा बच्चे यूज करते हैं या नॉर्मली कोई भी ये हिलाता टलाता रहता है तो वो वायर हार्ड होती है और ठंड और मतलब गर्मी ठंड में आप ज्यादा वायर को हिलाएंगे तो वो चटक के टूट जाती है अंदर से ब्रेक कर दे कर जाती है तो दोस्तों इसलिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और यहाँ पे इस वायर को हम एडजस्ट करते हैं आगे की बात करें तो यहाँ पे हमने पहले इसके जो शोल्डर हुई हुई थी उसे पहले क्लीन करा और उसके बाद हमने इस वायर को इस तरीके से पूरा कनेक्ट कर लिया तो कनेक्ट करने से पहले बीच में से जरूर निकाल लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग भूल जाते हैं वो बाहर से कनेक्ट कर लेते हैं फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होता है और फिर यहाँ पे आप देखेंगे लाइट में थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा और स्प्रिट करने के लिए नेटवर्क को वायर बहुत ज्यादा पत्ती और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए क्योंकि ये घूमता रहता है फिर यहाँ पे इसे इस तरीके से निकाला था हमने इस तरीके से इसे वापस डालेंगे एंड यहाँ पे गाइस फिर कंप्लीट करके यहाँ पे ये हमारा नेटवर्क आ गया एंड ये पूरा सर्किट आ गया जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है बाकी दोस्त बातें दोस्तों आगे वीडियो में लगातार तो दोस्तों तो आपने वीडियो में देखा समझा कि पूरा सर्किट मैंने खोल के दिखाया कनेक्शन करके दिखाया वायर के बारे में नहीं बताया मैंने कि वायर मैंने कहां से खरीदी तो गाइस आप कहीं से भी पतली और फ्लेक्सिबल वायर खरीद सकते हैं वैसे गाइस मैं बताऊं तो मैंने जो ये वायर यूज किए मैंने एज, मतलब वीजीए केबल जो सीपीयू से मॉनिटर के बीच में जो केबल जाती है उसमें बहुत सारी वायर होती है जो मेरी खराब हो गई थी डेल की ओरिजिनल वायर थी तो वो खराब हो गई थी सर्किट और बीच में से पूरी टूट गई थी तो उसे जोड़ने की कोशिश की थी जो नहीं जोड़ पाई थी तो उसकी वायर मैंने दोनों साइड से काट के उसके अंदर से वायर निकाली तो भाई ये फ्लेक्जिबल वायर होती है इतनी आसानी से खराब नहीं होती है तो वो वायर मैंने यूज किए लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों आप कहीं जाके किसी के पास मतलब कबाड़ी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं ना कबाड़ी तो वहां पे जाके जैसे कि हमारी सिटी में भी है हर किसी सिटी में होती है जो भी होता है वहां पे जाके आपको कोई ना कोई वायर ऐसी मिली जाएगी जिसके अंदर पतली वायर होती है नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इतनी पतली और इतनी अच्छी वायर नहीं मिल पाएगी इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा करूँगा वहां पे जाके चेक कर सके अरे दस कोई बात नहीं मिले तो फिर कोई आपके पास चार्जिंग पिन की होगी जो भी मतलब कोई सा भी आप चार्जर यूज कर रहे हो उसके अंदर भी पतली वायर होती है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं वो भी बेस्ट रहती है क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी फेल्यू होती है तो गाइस इस तरीके से आपकी जो मतलब राउटर की रेंज थी कम हो गई थी आप दोबारा स्प्रिट कर सकते हो बढ़ा सकते तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद